हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज के वीडियो में हम सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम पेपर स्टार्ट कर रहे हैं नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन करेंगे और इसमें हमने जो आपकी बुक में वो सेवन चैप्टर गिवन होगा, डिमोबियस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले आपको स्टेट एंड प्रूव करना है डिमोबियस थ्योरम का, तो आपको स्टेटमेंट भी पता होना चाहिए और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर की जो हम सेवन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस आपको आएगा एग्जाम में स्टेट एंड प्रूव डी मोइवर्स थ्योरम। ठीक है, तो डी मोइवर्स थ्योरम की स्टेटमेंट भी आपको पता होनी चाहिए। क्या कहती है स्टेटमेंट? इफ एन इज एन इन एन इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, देन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर एन। इसको हम ओपन कर सकते हैं कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, मीन्स जो पावर है उसको आप एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, ये हम जब बात कर रहे हैं जब एन हमारा इंटीजर दे रखा है, और अगर एन फ्रैक्शन में आ जाता है यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में अगर आ जाएगा, चाहे इसमें भी यही कंडीशन लगानी है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस यानी कि इसकी एक वैल्यू ये जरूर होगी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर एन इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। मीन्स दोनों ही केसेस में हम इसको सेम तरीके से ओपन करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट जो फर्स्ट है इसको हम स्टार्ट करते हैं। जो एन हमने क्या लेना है यहाँ पे, कोई भी इंटीजर, कैसा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हम एक बार लेकर चलेंगे एन हमारा इंटीजर है और कैसा रहेगा पॉजिटिव के लिए। सबसे पहले पॉजिटिव के लिए प्रूव करेंगे फिर नेगेटिव के लिए प्रूव करेंगे। ठीक है, लेट एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर, और ये जो रिजल्ट हमें प्रूव करना है ये हम प्रूव करेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन तो सबको पता होगा, सो वी शैल प्रूव दिस रिजल्ट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन में हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले n को हम 1 लेके प्रूव करते हैं कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, फिर n को हम कोई इंटीजर लेके चलेंगे, जैसे कि n को अगर मैं m ले लेती हूँ उसके लिए रिजल्ट हम ट्रू लेके चलते हैं, और n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए हम इसको प्रूव करेंगे, है ना। तो सबसे पहले लेट n इज इक्वल टू 1, अगर मैं n को 1 पुट कर लेती हूँ देन लेफ्ट हैंड साइड इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n है, n को मुझे यहाँ पे आप लिख भी देंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इस n को मुझे 1 पुट करना है, देन दिस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है, मीन्स n इक्वल टू 1 के लिए हमारा रिजल्ट ट्रू है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ रहा है राइट हैंड साइड। ओके, देन लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m के लिए। ठीक है, n इक्वल टू m के लिए अगर प्रूव है तो यहाँ पे हम इसको पुट कर सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर m इज इक्वल टू कॉस m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा। ठीक है, क्योंकि ये रिजल्ट हम बता रहे हैं कि n इक्वल टू m के लिए हमारा रिजल्ट प्रूव है, हमें प्रूव करना है। नाउ वी शैल प्रूव द रिजल्ट फॉर n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए हमें प्रूव करना है। ठीक है, यानी कि अगर मैं n को m प्लस 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास ये रिजल्ट ट्रू होना चाहिए। सो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलती हूँ लेफ्ट हैंड साइड, और n को हम पुट कर लेते हैं m प्लस 1 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n है, यहाँ पे मुझे पुट करना है m प्लस 1, इसको मैं लिख सकती हूँ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर m इन टू कॉस थीटा प्लस आयोटा। यहाँ पे हम रिजल्ट फर्स्ट यानी क्वेश्चन फर्स्ट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने कहा था कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर एम है, तो इस रिजल्ट को हम ये इक्वल टू दिस वैल्यू इसकी ले सकते हैं ना। तो यहाँ से हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू कॉस एम थीटा प्लस आयोटा साइन एम थीटा, इस टाइप की जगह पे मैंने वैल्यू पुट किया, एंड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ये फैक्टर इसके मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये हमने रिजल्ट यूज़ किया है। ओके, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं कॉस एम थीटा, स्टार्टिंग में एम थीटा और कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई ओपन कीजिए, कॉस थीटा रियल रियल पार्ट ले, चलो मैं पहले मल्टीप्लाई कर देती हूँ, आयोटा साइन एम थीटा इन टू कॉस थीटा।
ठीक है, फिर एटा साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस एम थीटा, यहाँ पे आप लिख दीजिए आयोटा कॉस एम थीटा साइन थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर साइन एम थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, हमने इसकी मल्टीप्लाई ओपन किया, रियल पार्ट आप सेपरेट कीजिए और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आएगा बिकॉज आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस वन, इसका रिजल्ट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। जो रियल पार्ट है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, कॉस एम थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस, क्योंकि माइनस की टर्म हो जाएगी, साइन एम थीटा इंटू साइन थीटा प्लस आयोटा इंटू आयोटा कॉमन ले लेंगे, दोनों टर्म से जो इमेजिनरी पार्ट है उसको सेपरेट कर रहे हैं, दिस इज साइन एम थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस एम थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, यहाँ से अब देखिए किसका फॉर्मूला बन रहा है, कॉस एम थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दिस इज कॉस ए प्लस बी यानी एम थीटा प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दिस इज साइन ए प्लस बी साइन एम थीटा प्लस थीटा। ठीक है, यहाँ से आप कॉस जो है एम प्लस वन थीटा कॉमन ले सकते हैं, आयोटा साइन यहाँ से भी आप थीटा कॉमन लीजिए इंटू थीटा, ये वैल्यू किसके निकाली है हमने, ये वैल्यू निकाली है हमने कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर एम प्लस वन, अगर हमने पावर एम प्लस वन किया है तो ये एंगल के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इसका मतलब हमारे स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, क्योंकि हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करना था कि अगर हम एन पावर ले रहे हैं तो ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सो यहाँ से आप लिखेंगे कि रिजल्ट इज प्रूव्ड फॉर एन इक्वल टू एम प्लस वन, सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से दैट cos theta plus iota sin theta raised to power n is equal to cos theta plus iota sin n theta। ये हमने रिजल्ट प्रूव किया है जब हमने n को पॉजिटिव इंटीजर लिया है, अगर हम n को नेगेटिव इंटीजर लेते हैं देन आपको कैसे प्रूव करना है वो देखिए, इफ n इज नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर मीन्स अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ दैट इज n इज इक्वल टू माइनस m। ओके, क्योंकि n नेगेटिव इंटीजर है सो हमने n को जो है माइनस m पुट कर लिया, वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि अगर m भी नेगेटिव होगा तो m पॉजिटिव, n जो हो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो हम m को पहले बता देते हैं कि हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, यहाँ से हमें cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n, लेफ्ट हैंड साइड उठाते इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, एन की वैल्यू पुट कीजिए, एन हमने लिया है माइनस एम। ओके, अगर पावर नेगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव कैसे लेते हैं, कॉस थीटा वन अपॉन ले जाएंगे प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर एम, और m हमने क्या लिया है पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर के लिए मैं ये पूरा का पूरा यहाँ पे प्रूव कर चुके हूँ कि हम पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं, सो ये रिजल्ट मैं अप्लाई कर लेती हूँ फॉर m के लिए, कि अगर पावर में है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, वन अपॉन कॉस m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा। ओके, क्योंकि मैं पॉजिटिव इंटीजर के लिए यहाँ पे प्रूव कर चुकी हूँ तो पॉजिटिव का हमने रिजल्ट यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे बताएंगे भी, क्योंकि m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अब मुझे यहाँ से इसको जो डेनोमिनेटर में आयोटा है हम इसको रिमूव करना, कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा हो तो डेनोमिनेटर में अगर आयोटा आता है तो हम उस क्वांटिटी का रेशनलाइजेशन करते हैं, तो यहाँ पे इसका रेशनलाइजेशन करेंगे और ये आ जाएगा वन बाय कॉस एम थीटा प्लस आयोटा साइन एम थीटा इंटू कॉस ऑफ एम थीटा, अपोजिट साइन लेते हैं साइन एम थीटा और इसी नंबर से हम इसको डिवाइड करते हैं साइन एम थीटा, है ना। अब यहाँ पे आप जो मल्टीप्लाई करते हैं दिस इज कॉस एम थीटा
माइनस आयोटा साइन एम थीटा डिवाइड बाय दस ए प्लस बी ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे माइनस बी कितना है आयोटा साइन थीटा स्क्वायर ये चीज़ ध्यान दे रहा है ए कॉस एम थीटा एंड बी इज आयोटा साइन एम थीटा मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओपन करेंगे यहाँ से आयोटा स्क्वायर सेपरेट कर सकते हैं इसको आयोटा स्क्वायर इज अ माइनस वन मीन्स कॉस स्क्वायर एम थीटा प्लस साइन स्क्वायर एम थीटा और वो हमारा क्या होता है वन कॉस एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एम थीटा प्लस साइन स्क्वायर एम थीटा एंगल सेम है सो कॉस स्क्वायर एम थीटा प्लस साइन स्क्वायर एम थीटा इज इक्वल टू वन देन रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास कॉस एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा ओके यहाँ से हम इसको थोड़ा सा और हमें सिंप्लीफाई करना है कॉस आपको ये रिजल्ट पता होगा कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है ठीक है यानी कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा तो यहाँ पे मैं इसको चेंज करती हूँ थोड़ा सा कॉस ऑफ माइनस एम थीटा और इस माइनस को मैं साइन में ले जाती हूँ यहाँ पे आयोटा साइन के एंगल में माइनस एम इंटू थीटा ओपन करेंगे वापस हमारे वही स्टेटमेंट आ जाएगी ओके सो कोई चेंज नहीं है यहाँ पे और माइनस एम को हमने क्या लिया था एन को मैंने माइनस एम पुट किया था उसमें माइनस एम की वापस वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व किया है कब जब एन हमारा नेगेटिव इंटीजर है ना तो नेगेटिव इंटीजर के लिए मैंने लिया था कि एन इक्वल टू माइनस एम हमें पुट करना है तो माइनस एम पुट किया हमने ठीक है पावर को पॉजिटिव किया देन रेसलाइजेशन और फिर इसका वापस से माइनस एम एंगल बनाया और यहाँ से मैंने वापस वैल्यू पुट की और हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है इसके का मतलब ये हुआ कि ये जो रिजल्ट है ये एन जब इंटीजर होगा चाहे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हम दोनों में अप्लाई कर सकते हैं ओके थर्ड केस रहता है क्या अगर एन हमारा फ्रैक्शन दे रखा है फ्रैक्शन मीन्स पी बाय क्यू की फॉर्म में दे रखा हो चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है इसके लिए भी हमें प्रूव करना है चलिए थर्ड केस करते हैं सो केस थर्ड देखते हैं हम थर्ड केस में हमें क्या लेना है देखिए फर्स्ट में हमने एन को पॉजिटिव इंटीजर लिया सेकंड में नेगेटिव इंटीजर लिया थर्ड में हम लेते हैं कि एन हमारे पास फ्रैक्शन दे रखी है और फ्रैक्शन भी कैसी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इफ एन इज एनी फ्रैक्शन अगर फ्रैक्शन है तो हमें एन को जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लेना पड़ेगा है ना सो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एन इज इक्वल टू पी बाय क्यों अब ये जो p बाई क्यू नंबर है इनको दोनों को आपको डिफाइन करना है मीन्स हमें क्या बताना है कि n या तो मेरी पॉजिटिव फ्रैक्शन होगी या नेगेटिव होगी पॉजिटिव किस केस में होती है जब दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव होते हैं और नेगेटिव कब बनेगी जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो इस मैटर को सुलझाने के लिए हम क्या करते हैं q तो हमारा नॉट इक्वल टू जीरो होना ही चाहिए क्योंकि ये रियल क्वांटिटी आनी चाहिए सो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो फ्रैक्शन में होता ही है एंड मैं यहाँ पर ले लेती हूँ q इज एनी पॉजिटिव इंटीजर ये पॉजिटिव ही रहेगा p मैंने क्या लिया p इज एंड p इज एनी इंटीजर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव दोनों केसेस में से कोई भी हो सकता है p पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है क्यों टोटली पॉजिटिव रहेगा हर केस में तो ये एक बार पॉजिटिव फ्रैक्शन बन जाएगी एक बार नेगेटिव फ्रैक्शन हो जाएगी ठीक है सो यहाँ से थर्ड केस को थोड़ा सा अलग तरीके से प्रूव करना है आपको कि मुझे जो ये दे रखा है कॉस रेज टू पावर कहाँ है जो मैंने प्रूव करना था शायद रफ कर दिया मैंने इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर एन इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा ये चीज़ हमें प्रूव करनी है कि इसकी एक वैल्यू होगी दिस इज ओके तो यहाँ से हम ये लेते हैं कि एस क्यू हमने कैसा लिया है क्यू इज एनी पॉजिटिव इंटीजर अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो मैं केस फर्स्ट अप्लाई कर सकती हूँ देन बाय केस फर्स्ट कॉस थीटा बाय क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा बाय क्यू रेज टू पावर क्यू
क्यू अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो इस पर मैं अप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या था, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर एन। हमने क्या किया, एंगल को एन से मल्टीप्लाई कर दिया था। यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे, कॉस थीटा बाय क्यू इंटू क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा बाय क्यू इंटू क्यू। क्यू से क्यू कैंसिल, सॉल्व करते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास टर्म, यानी कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे हम लेते हैं टेकिंग क्यूथ रूट, क्यूथ रूट का क्या मतलब होता है कि वन बाई क्यू पावर अप्लाई कर देना ऑन बोथ साइड, बोथ साइड अप्लाई कीजिए, कॉस ऑफ थीटा बाय क्यू प्लस आयोटा, लेफ्ट हैंड साइड है हमारी थीटा बाय क्यू रेज टू पावर क्यू, और मुझे वन बाय क्यू पावर अप्लाई करनी है, ओके, इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर क्यू, सॉरी वन बाय क्यू, क्यों नहीं, हमें क्यू विथ रूट लेना है, ओके। सो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि दिस इज अ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन। सो जैसे आप क्यू विथ रूट अप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो है कॉस थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा बाई क्यू रेज टू पावर क्यू है, और आपको वन बाई क्यू अप्लाई कर देना है, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, मीन्स आपके पास रिजल्ट आएगा कॉस थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा बाई क्यू, और मुझे दोनों साइड क्यू विथ रूट अप्लाई करना है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दिस इज वन वैल्यू ऑफ किसकी बनेगी, कॉस थीटा, राइट हैंड साइड पे क्या चल रहा है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर वन बाय क्यू की, ठीक है। जैसे हम प्रिंसिपल वैल्यूज निकालते हैं, सेम तरीके से यहाँ पे आपको रिजल्ट अप्लाई करना है। सो यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि कॉस थीटा प्लस थीटा बाय क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा बाय क्यू इज अ वन वैल्यू ऑफ किसकी, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर वन बाय क्यू की। बोथ साइड हम अप्लाई कर लेते हैं पी, अप्लाई पावर पी ऑन बोथ साइड, सो पी पावर अप्लाई कर रहे हैं, कॉस थीटा बाय क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा बाय क्यू रेज टू पावर पी, क्योंकि इसकी पावर क्यू से क्यू तो कैंसिल ही हो गया था, ठीक है, इज वन वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर पी बाय क्यू, क्योंकि मैंने दोनों साइड पी बाय क्यू सॉरी पी अप्लाई किया है, तो यहाँ पे भी पी बाय क्यू पावर हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास पी पावर आ जाएगी, यानी कि ये इसकी एक वैल्यूज का एक रूट निकलेगा, ओके। सो पी कैसा है, अभी पी हमने क्या लिया था, पी इज एनी पॉजिटिव इंटीजर या फिर नेगेटिव इंटीजर, कोई भी हो सकता है, और दोनों ही केसेस में हम ये प्रूव कर चुके हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हम ये रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉस पी बाय क्यू इंटू थीटा, पी को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया एंगल के साथ, क्यों, क्योंकि पी कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर है, और इसके लिए मैं प्रूव कर चुकी हूँ, साइन पी बाय क्यू इंटू थीटा इज वन वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर पी बाय क्यू, और यहाँ पे आप लिखेंगे क्यों, ये रिजल्ट हमने क्यों लगाया, एज पी इज एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर एंड बाय फ्रॉम केस फर्स्ट एंड सेकेंड यू कैन अप्लाई दिस रिजल्ट, ओके। तो ये हमने फ्रैक्शन के लिए प्रूव किया है, या तो पी नेगेटिव या फिर पी पॉजिटिव। अब यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए कॉस पी बाय क्यू प्लस आयोटा साइन पी बाय क्यू, और पी बाय क्यू मैंने क्या लिया था, अब वापस से लिए यहाँ पे पी बाय क्यू मैंने एन लिया था, तो वापस पी बाय क्यू को हम एन पुट कर लेते हैं यहाँ पे, सो कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा इज वन वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर एन, पी बाय क्यू को मैंने एन पुट कर दिया, और यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था कि अगर ये एन फ्रैक्शन आता है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, देन वन वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर एन इज दिस,
ठीक है। तो ये आपको प्रूव, इसका मतलब जो डी मोयर थ्योरम है वो तीनों केसेस के लिए आपको प्रूव करनी है, और तीनों केसेस में आप ये रिजल्ट अप्लाई कर सकते हो। मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये स्टेट एंड प्रूव ही आती है। ओके, जो हमने थ्योरम की है डी मोयर थ्योरम, उसी के बेस पे कुछ रिजल्ट मैं आपको करवा रही हूँ, जो कि डायरेक्ट आपको यूज़ करने हैं। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर एन इंटीजर, जो भी हमने रिजल्ट किया है, रेज टू पावर एन कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, ये रिजल्ट हमने अभी प्रूव किया है। ओके, अगर यहाँ पे आपके पास आ जाता है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा, सॉरी साइन थीटा रेज टू पावर एन, सो क्या आप ये रिजल्ट अप्लाई कर सकते हो? क्योंकि हमने रिजल्ट क्या पढ़ा है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होना चाहिए। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियरली समझ लेनी है कि ये रिजल्ट हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब यहाँ पे प्लस का साइन होता है। ओके, तो सबसे पहले अगर आपको प्रूव करना है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको आप लिखेंगे कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा रेज टू पावर एन। सेकेंड चीज़, एक तो यहाँ पे प्लस का साइन होना चाहिए, सेकेंड दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, थर्ड कॉस थीटा जो रियल पार्ट है कॉस थीटा होना चाहिए, एंड इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए साइन थीटा, मीन्स आयोटा का मल्टीपल। यानी यही रिजल्ट आप साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा रेज टू पावर एन इस पर नहीं अप्लाई कर सकते। ओके, क्यों? क्योंकि मुझे रियल पार्ट चाहिए कॉस थीटा, आयोटा का मल्टीपल यानी इमेजिनरी पार्ट चाहिए साइन थीटा, तभी आप ये रिजल्ट अप्लाई कर सकते हो डी मोयर का थ्योरम का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अगर माइनस है इसको आप प्लस में लेके आइए, मीन्स कॉस माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा ही होती है, कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए मैं कॉस थीटा को कॉस ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हो, और माइनस साइन थीटा, इस माइनस को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ओपन करेंगे यही स्टेटमेंट आ जाएगी। अब क्योंकि प्लस आ गया यहाँ पे, सो मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ थ्योरम कॉस ऑफ माइनस थीटा इंटू एन प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा इंटू एन। सो कॉस ऑफ यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस थीटा एन, और कॉस ऑफ माइनस एंगल प्लस का होता है एन थीटा, एन को आगे लिख लीजिए, प्लस आयोटा, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि इसका माइनस हम शिफ्ट कर लेते हैं बाहर, साइन एन थीटा। देखिए रिजल्ट वही आएगा, यानी कि यहाँ पे भी एंगल से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पे प्लस का साइन था और हमने क्या किया था कॉस एन थीटा एंगल से मल्टीप्लाई कर दिया था, और अगर यहाँ पे माइनस आता है तो भी हमने प्रूव कर दिया कि हमें रिजल्ट डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर प्रूव करना है तो आपको इस तरह से करके दिखाना पड़ेगा, अगर दो नंबर में शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, और अगर आपको ये रिजल्ट क्वेश्चन में अप्लाई करना है तो आप डायरेक्ट पुट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कैसे कि कॉस, अगर मान लीजिए आपके पास दे रखा है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 3, ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना है तो मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगी कॉस ऑफ 3 थीटा माइनस आयोटा ऑफ साइन 3 थीटा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा, इसकी क्या वैल्यू आएगी? इसलिए इसे करने से पहले एक बार नेगेटिव वाला डिस्कस कर लेते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर माइनस एन। अगर पावर नेगेटिव होती है सो आप जो अभी हमने थ्योरम प्रूव किए कि नेगेटिव इंटीजर के लिए भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कॉस माइनस एन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस एन थीटा, मीन्स हम इसको एंगल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप देखेंगे कॉस ऑफ माइनस एन थीटा क्या होता है, कॉस एन थीटा, साइन ऑफ माइनस एन थीटा इज अ माइनस साइन एन थीटा। तो अभी आपको अगर क्वेश्चन में आता है कि मान लीजिए कि आपके पास आ जाता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर माइनस फोर, इसको आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है कॉस ऑफ फोर थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ फोर थीटा। ये चीज़ समझ लेनी है कि अगर आप नेगेटिव एंगल कॉस में अप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो भी वो एंगल पॉजिटिव ही रहता है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे। अगर कॉस ऑफ माइनस पावर आ रही है तो भी यही रिजल्ट आएगा, और अगर हमने यहाँ पे ये माइनस लेना है, पावर पॉजिटिव है, तो भी हम ऐसे ही रिजल्ट अप्लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस आयोटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा, ये चाहे प्लस का हो चाहे नेगेटिव हो, बीच में क्या जैसे भी करना है आपको, इसको मैं लिख सकती हूँ कॉस ऑफ प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर माइनस वन, और नेगेटिव पावर को आप डिनोमिनेटर में अप्लाई कर सकते हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा
प्लस माइनस आयटा साइन ऑफ माइनस थीटा। थीटा को जो हो आप नेगेटिव बाहर लेके आइए, ये बनेगा कॉस थीटा, ये साइन चेंज कर देगा माइनस प्लस आयटा साइन थीटा, तो इसका ये रिजल्ट आएगा। और इसके बाद जो मेन चीज़ है यहाँ पे, इसमें जो मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं कि अगर आपके पास आ जाता है साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस ऑफ थीटा रेज टू पावर एन, यहाँ पे आपको डी मोर्गन थ्योरम आप अप्लाई नहीं कर सकते, इसको आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मींस इसको आपको कॉस बनाना है और कॉस को आपको साइन में चेंज करना है। कैसे चेंज करोगे? साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा, ओके, और कॉस थीटा को पाई बाय टू प्लस आयोटा साइन साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा रेज टू पावर एन, ठीक है। तो अब हमारे पास सही है कि रियल पार्ट कॉस आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट साइन आ रहा है। अब आप डी मोर्गन थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, दिस इज कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा इंटू एन प्लस आयटा साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा इंटू एन। तो ये रिजल्ट है कुछ इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एक और इसकी शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म कैसे कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सिस थीटा। कैसे पढ़ेंगे इसको? सिस थीटा, एंगल थीटा रहेगा दोनों का, ठीक है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर मान लीजिए आपको पूछा जाए सिस फोर थीटा की, बताइए आप कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा कॉस ऑफ फोर थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ फोर थीटा। ऑलराइट, कुछ एक आध रिजल्ट और है वो भी डिस्कस कर लेते हैं इसका। देखिए अभी हमने क्या कहा कि अगर मैं लिख देती हूँ सिस अल्फा, इसका क्या मतलब है? कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, ये शॉर्ट इसकी फॉर्म इसलिए ले लेते हैं कि कैलकुलेशन अगर बहुत बड़ी हो जाती है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए होती है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिस अल्फा इंटू सिस बीटा की वैल्यू बताइए, क्योंकि कॉस लिखने की आदत हो जाती है इसलिए सिस थोड़ा सा जचता नहीं है जल्दी से, है ना। सिस अल्फा इंटू सिस बीटा, इसकी वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले आप सिस अल्फा की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा इंटू सिस बीटा क्या बनेगा? कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। मल्टीप्लाई ओपन कर लेते हैं, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस आयोटा कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा और प्लस आयोटा स्क्वायर साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। रियल पार्ट इकट्ठा कीजिए, रियल ये बनेगा और आयोटा स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, यहाँ से भी आयोटा कैंसिल, सो ये माइनस वन में चेंज हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ओके। ये फॉर्मूला किसका बन रहा है? कॉस है कॉस भी माइनस साइन है साइन भी, कॉस अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है। नेगेटिव होता है तो कॉस में प्लस जाता है एंगल्स में, प्लस आयोटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दिस इज ए साइन अल्फा प्लस बेटा। इसको हम क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में? सिस के फॉर्म में, सिस अल्फा इन प्लस बेटा, जो भी एंगल होता है सिस पे अप्लाई कर लेते हैं। सो हम यहाँ पे रिजल्ट क्या निकल गया, सिस अल्फा इंटू सिस बेटा इज इक्वल टू सिस अल्फा प्लस बेटा। इसका दूसरा रिजल्ट है सिस अल्फा डिवाइड बाय सिस बीटा, इसका रिजल्ट आता है सिस अल्फा माइनस बीटा। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, आप सभी बच्चे जो इसको ट्राई करेंगे उसके प्रूव करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के पहले आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपका ये प्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। अगर किसी बच्चे का प्रॉब्लम में रहता है तो इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए आज के लेक्चर में यहीं तक करते हैं हम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके बेस्ड कल जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे यानी 7.1 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स। तो तब तक ट्राई करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।